हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास किचन। ये देखिए, मैं चिलीज ली हुई है, टमाटो लिया हुआ है और गार्लिक लिया हुआ है। अब इनसे बनाने वाले हैं हम एक यम्मी सी टेस्टी सी रेड चटनी। ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस लगेगी, आपको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। मैंने एक बाउल में पानी ले रखा है, अब इसको हम गैस में चढ़ा देंगे। ये देखिए, गैस में ऑन कर देती हूँ और इस पे ये कटोरा रख देती हूँ। अब इसमें हम जब तक ये गर्म हो जाए थोड़ा सा पानी, फिर उसके बाद इसमें सारी मिर्चियाँ और टमाटर इसमें डाल देंगे। जो पानी है बाउल में वो गर्म हो गया थोड़ा थोड़ा, अब हम इसमें ये जो मिर्चियाँ मैंने ले रखी थी ये और टमाटर सारा कुछ इसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेना है हमें। ये बहुत ही यम्मी लगती है। जो मोमोज के साथ चटनी मिलती है वो भी इसी टाइप की रहती है, और जो हम साउथ इंडियन डिशेस खाते हैं डोसा वगैरह, उसमें भी इस टाइप की चटनी देते हैं हम साथ में। आप चाहें तो गार्लिक भी इसमें डाल सकते हैं, और अगर नहीं बॉईल करना चाहें तो डायरेक्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें डाल दे रही हूँ तो पिसने में आसानी होगा। तो अब इन्हें अच्छे से एक बॉईल होने तक इन्हें अच्छे से पका लेना है हमने। फिर इसमें मैं एक हिडन इंग्रेडिएंट डालूंगी, तो इसलिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा वीडियो। तो अभी कंटिन्यू इसको देखते रहिए। ये देखिए, मैं हो गए हैं 10 मिनट करीब, 10 मिनट से बॉईल हो रहा है। ये अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं मिर्चियाँ और टमाटर वगैरह। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इन मिर्चियों को एक प्लेट में निकाल लेते ठंडा होने के लिए। अब हम ये जो हमारी मिर्चियाँ और टमाटर वगैरह थी ये सारा कुछ ठंडा हो गया है, तो अब हम इसका टमाटर का छिलका निकाल देंगे और इसको सारा कुछ को ग्राइंड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर और भी ऐड कर सकते थे, जिस हिसाब से आपको खट्टा पसंद हो। तो बस अब हम इन तीनों चीज़ों को, मिर्ची और टमाटर लहसुन, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। मिर्ची और टमाटरों को हमने पीस लिया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितना अच्छा दिखने में लग रहा है ये। अब इसको एक और काम करेंगे, इनको थोड़ा सा हम छौंक लेंगे। एक पैन रखेंगे और उसमें जीरे की थोड़ा सा छौंक लगा देंगे। देखिए मैंने गैस ऑन कर दी, ये पैन रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे हम। सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ज़रा सा तेल डालना है, 1/2 टेबल स्पून करीब। तो इसमें थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल 1/4 टीस्पून करीब दोनों चीज़ें। बाकी आप छौंक लगाना चाहें तो लगाइए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है इसमें। और नहीं लगाना चाहिए आपको, नहीं लगाना तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। बाकी ये देखने में और ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। तुरंत ही अब जैसे ये तड़क जाएंगे अच्छे से, तो इसको गैस को हम बंद कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बारी। और भी अच्छा टेस्ट देने के लिए एक काम आप और करिएगा अगर आपका मन करे तो। बाकी मैं हमेशा करती हूँ इस चटनी को और अच्छा करने के लिए, इसमें 1 ढक्कन सिरका मिला रही हूँ मैं। 2 टेबल स्पून करीब मैंने इसमें सिरका मिला दिया है, जो फूड वाला होता है ना वही वाला मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। उससे इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होगा, बहुत ही टेस्टी होगा और आप भूल नहीं पाएंगे इसका टेस्ट। और इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 1 वीक के लिए, क्योंकि पानी में हम इसको बॉईल करते हैं इसलिए उससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। तो इसलिए
1 वीक तक आप एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, ये आराम से रहेगी, स्टोर रहेगी। इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको पक्के से। मैं आपको 3-4 तरीके की बता चुकी हूँ चटनियाँ, तो ज़रूर से सारी ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में। ये देखिए मैंने चटनी नीचे उतार ली गैस से। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून करीब नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बनके रेडी है।